तो आप देख सकते हो कि 5 रेप्स में कितना पंप फील हो रहा है मेरे फोरआर्म्स में। अगर आप ब्रूस ली का ट्रेनिंग रूटीन देखोगे तो उनका काफी ज्यादा एम्फोसिस रहता है ऑन द फोरआर्म स्ट्रेंथ एंड द ग्रिप स्ट्रेंथ। तो उन्हीं का एक फेवरेट एक्सरसाइज रिस्ट कर्ल्स को घर पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम देखेंगे आज। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बैंड कोई भी प्लेट ले लेना है जो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होगा, और फिर इसको लूप करना है रेजिस्टेंस बैंड को अंदर, और फिर इस लूप से इसको अंदर घुसा के नॉट कर लेना है। और फिर सिमिलरली इस रॉड को लेना है, कोई भी रॉड आप ले सकते हो, और फिर इस पर यहाँ पे एक लूप रखना और उस लूप से इसको अंदर डाल लेना और इधर भी नॉट कर लेना इस तरह से। तो ये तैयार हो गया हमारा रिस्ट कर्ल्स का टूल्स। अब आपको एल्बोस को अंदर रखना इस तरह से, और फिर आपके रिस्ट को जितना कर्ल कर सकते हो उतना कर्ल करते हुए वेट को ऊपर की तरफ लाना है। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है, आपका फोरआर्म्स पंप हो जाएगा। 5 राउंड भी आपने इतना कर लिया ना, आपको फील होगा कि कितना डिफिकल्ट है ये।